सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क बनाने के लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वैसी की वैसी है। इसका जीता जागता उदाहरण है, समय पर इलाज नहीं मिलने से सोराग गांव की एक प्रसूता के गर्भ में पल रहे एक शिशु की मौत हो गई। हालांकि गांव वाले 11 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक सब चीज़ हाथ से निकल गए। डॉक्टर प्रसूता को बचाने में सफल रहे। सोराग गांव के रहने वाले प्रवीण सिंह की 25 साल की पत्नी रेखा देवी को शुक्रवार को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजन ने गांव वालों से संपर्क किया, लकड़ी का स्ट्रेचर बनाया गया जिसमें बांधकर प्रसूता को पिंडर नदी में बने कच्चे पुल से होकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया। ग्रामीण केशव सिंह ने बताया कि गांव वालों ने गाड़ियों की आवाजाही के लिए पिंडर नदी में अस्थायी लकड़ी का पुल बनाया था। नदी में वो बह गया जिस पर वाहनों का चलना बंद हो गया, जिसके कारण प्रसूता को 11 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया। यहां से 108 के माध्यम से CHC कपकोट भर्ती किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जब वो जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि शिशु की गर्भ में ही मौत हो चुकी है। उन्होंने शिशु को गर्भ से बाहर निकाला और प्रसूता को बचाने में कामयाब रहे। डॉक्टर्स ने बताया कि पेट में बच्चा मरा था, जच्चा अब ठीक है। गांव के लोगों में गुस्सा है और उनका कहना है कि 4 साल से पिंडर नदी में पुल नहीं बन पाया, गांव में अस्पताल भी नहीं है, जिसके कारण गांव वालों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, हिमालय गांव की दिक्कतें अब बढ़ने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।